मोतिहारी में टोला सेवकों ने शिक्षा विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। अपनी समायोजन की मांग को लेकर टोला सेवक मोतिहारी के चरखा पार्क में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। टोला सेवकों ने धरने को जाप सुप्रीमो शाह, पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने समर्थन दिया है और आज धरने में टोला सेवकों का समर्थन करने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के प्रधान महासचिव शाह, ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह भी टोला सेवकों के साथ दिन भर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे रहे। इस दौरान जाप नेता अभिजीत सिंह ने कहा कि टोला सेवकों की मांग है कि 19 महीना सेवा लेने के बाद टर्मिनेट किए गए 112 टोला सेवकों को पुनः बहाल किया जाए। बिहार सरकार के निर्देश के बावजूद शिक्षा विभाग टर्मिनेट किए गए टोला सेवकों के पद को रिक्त रखने के बदले रिक्ति को शून्य दर्शाया गया है। चयन मुक्त टोला सेवक शिक्षा विभाग के विरुद्ध हाई कोर्ट भी गए और वहां कोर्ट ने शिक्षा विभाग को समायोजन का आदेश दिया, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी टोला सेवकों की बात सुनने को तैयार नहीं है। पूर्वी चंपारण जिले में अब भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी मनमौजी काम कर रहा है। 19 महीने काम लेने के बाद भी बगैर वेतन 112 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग के द्वारा संयोजक के बदले मोटी रकम की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग टोला सेवकों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। तो लोग बैठे हैं, 113 लोगों का ये जो मामला है ये परसों हम लोग के प्रकाश में आया जब आदरणीय नेताजी पप्पू यादव जी को एक यहाँ से पत्र गया कि पूर्वी चंपारण के जो टोला सेवक है जिनकी बहाली पूरी की पूरी जो सीट थी वो 1400 कुछ थी, उसके ऊपर 313 जो मतलब जगह खाली हुई थी उसमें बहालियाँ हुई, परंतु फिर से 113 लोगों को हटा दिया 2017-18। ये लोग केस में भी गए हैं और आप देखेंगे कि कार्यालय से प्रधान सचिव का पत्र भी है कि जो केस में है या जो रिक्तियां हैं या जो पूर्व में काम कर चुके हैं, अगर 19 महीने कोई काम कर चुका है टोला सेवक और आप उसकी कम से कम ये तो भेजिए कि हाँ हमारे यहाँ 113 लोग हैं जो पहले से ट्रेंड हैं। इनकी यही मांग है कि हम जो 113 लोग हैं आप रिक्तियाँ भरिए, लेकिन हम 113 को पहले कंसीडर कीजिए। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, पहले आपके यहाँ 19 महीने काम कर चुके हैं, आपने वेतन भी नहीं दिया, आज उनका आप यहाँ के टीपीओ और डीओ जो है नाम लेके भेजना नहीं चाहते, क्या कारण है? अगर इनके देखिए, एक बार ये लोग धरने पे बैठे थे तो एक सहमति पत्र भी बना था इनका, आप देख सकते हैं सहमति पत्र भी है। आप ये देखिए के पाठक की एक चिट्ठी भी है जिसमें कि स्पष्ट लिखा है कि जो भी कोर्ट में लंबित है या जो पहले काम कर चुके हैं उनके अलावा आप अपनी रिक्ति यहाँ भेजिए, परंतु यहाँ के टीपीओ और डीओ देखिए मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हम लोगों ने अभी बंदी भी किया था। कारण क्या था? यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर, यहाँ के अधिकारी बिल्कुल मनमौजी हो चुके हैं, सरकार को सही जानकारी, महागठबंधन के सरकार को सही जानकारी नहीं दे पा रहे। सरकार यहाँ नौकरी देना चाहती है और देखिए 113 जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। जब एक बार नौकरी मिल जाता है किसी को, कितने भी पैसे का नौकरी हो, आप उससे 19 महीने काम कराते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं और आप उसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो कुछ मुट्ठी भर पैसे आपकी जेब में नहीं रख पाते हैं। जो इन्होंने खुद भी कहा है कि ये मुट्ठी भर पैसे हमसे मांगा गया, गरीब लोग कहाँ से पैसे देंगे? आप नौकरी देना चाहते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं? अगर पैसा कमाना चाहते हैं यहाँ के अधिकारी, तो अधिकारी अपने अपने चैम्बरों में काउंटर खोल दें, एक बक्सा रख दें कि यहाँ पैसा डालो और नौकरी का पत्र लो। तो केवल अगर अमीरों को ही नौकरी देना है, गरीबों को नौकरी नहीं देना है, केवल गरीबों को गुमराह करना है, नीतीश कुमार जी ये नहीं चाहते। नीतीश कुमार जी रोजगार देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव रोजगार देना चाहते हैं, बट यहाँ के अधिकारी जो हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार के चाशनी में डूबे हुए हैं।